Hello students, this is Japneet. Welcome back to my channel. Our today's video is all about revaluation process. I have already uploaded one video regarding revaluation, EOR. एक बार फिर से मैं आज स्पीकिंग के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो कई बार मुझे स्टूडेंट्स का टेक्स्ट आता है या कॉल आती है कि सर मेरे 5 या 5.5 है स्पीकिंग में, तो क्या मुझे रिवैल्यूएशन भरनी चाहिए, तो क्या मुझे EOR फिल करना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है? देखो, फुल प्रोसेस के लिए मैंने एक तो वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप एंड में देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ. द थिंग इज़, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मेरा स्कोर आ सकता है, ईजिली आ सकता है कि 5.5 या 5 मेरा स्कोर नहीं है, मेरी स्पीकिंग इतनी बढ़िया हुई थी 6 या 6.5 तक ईजिली स्कोर आ सकता था मेरा, तो ही आप जाएँ. एक बार आप रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनना, है वो पंजाबी में, एक बार आप सुन लेना, ठीक है? अभी ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਕੋਰ ਸੀਗੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਰ. ਪਹਿਲਾਂ 5.5 ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ 6 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਕੋਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਉ. ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ 5.5 ਨੇ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5.5 ਤੋਂ 6.5 ਹੋਏ ਸੀ ਸਰ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ. ਫਿਰ ਸਰ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਸੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਓ ਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਈਲੈਟਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ. ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਰ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਸਰ. तो बेसिकली उन्होंने बताया है कि इनका 5.5 स्कोर था स्पीकिंग में, ठीक है. उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स से पूछा कि क्या मुझे रिवैल्यूएशन वगैरह भरनी चाहिए, बट द थिंग इज़ दे सेड कि इतना कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है. बट ये वाला बंदा जो था, ये स्टूडेंट था, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरे स्कोर आ सकते हैं स्पीकिंग में ईजिली. तभी क्या है, इन्होंने रिवैल्यूएशन भरी एंड आई गेस 20 डेज़, विद इन 20 डेज़ इनका, मे बी शायद विद इन 10 डेज़ इनका रिजल्ट क्या है आउट हो गया, एंड वो ईजिली क्या थे 0.5 स्कोर इनका अप हो गया, ठीक है. तो मेरे कहने का मतलब यही है कि देखो, रीडिंग लिसनिंग का तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, अगर राइटिंग या स्पीकिंग में अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली क्या है कि आप रिवैल्यूएशन के लिए जाएं, अगर आपके 5.5 या 5.5 एटलीस्ट हैं, ठीक है, एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे 6 या 6.5 ईजिली आ सकते हैं, तभी आप ट्राई करो फिल करने का रिवैल्यूएशन, ठीक है. And for more videos like these and IELTS related content, please make sure to subscribe to this channel. Thank you.